देश के प्रधानमंत्री स्पष्ट कहने कि हमरा रहते कि वो देश के माई के लाल नहीं खे जे आरक्षण समाप्त कर देव, ऐसे कि समाज के गुमराह कर जाता है। कोनो मुद्दा नहीं खे, कोनो जवाब नहीं खे। कोई भी चुनाव अब बीए बीकॉम बीएससी और एमए एमकॉम करे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ट असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी कॉलेज गेट के सामने सिवान। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चों को मिलेगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप 2-9। विजिट टुडे लुवान नियर करबला बाजार बढ़रिया सिवान। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर क्या कहें? देखिए, हम प्रत्येक साल भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती मनाए के काम करें। आज हमनी के पंडित दीनदयाल नगर में अपने आवास पे आदरणीय श्री राजा राम जी की अध्यक्षता में और महंत भगवान दास जी की उपस्थिति में हमनी के धूमधाम के साथ अम्बेडकर जी के तौल चित्र पर वैदिक मंत्र से पूजा पाठ करनी सन, पुष्पमाला चढ़ने से चंदन लगनी सन, अगरबत्ती देखनी सन और फिर जन सब लोग वहाँ के जीवनी पर प्रकाश डाले के काम कैल हवे। तो जौन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जौन संविधान के रचयिता बानी और देश के पुरोधा बानी, कई बार देखल जाला कि वहाँ के प्रतिमा के कई जगह पर कहीं हाथ तोड़ल गई बा, कहीं प्रतिमा का तोड़ल गई बा, एक ऊपर हुआ का? देखिए, हिंदुस्तान में विदेशी फंडिंग हो रहा बा हिंदुत्व के बाँटे खातिर, दलित अम्बेडकर जी के पूजा करस, ब्राह्मण परशुराम जी के करस, राजपूत राम जी के करस, यादव कृष्ण जी के करस, यानी दलित जन समाज के बाँटे के विदेशी फंडिंग हो रहा बाबे और समाज के तोड़े खातिर कभी केहू के मूर्ति के ध्वस्त कर जला, कभी केहू के ध्वस्त कर जला। लेकिन अब सब जागरूक बा। आज हम बहड़िया में देखनी है कि अम्बेडकर जी के जन्म जयंती पर जुलूस निकल रहा, जौन पहले जय भीम जय मीन होत रहा, आज जय मीन ना भैल हवे जय भीम ही भैल हवे। तो बड़ा खुशी भैल हवे कि आज समाज फिर एकजुटता की ओर बढ़ रहा हवे, फिर विवेकानंद जी की युक्ति चरितार्थ हुई कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भारत में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनी, तब से देश के अस्थिर करे खातिर भारत के अलावा विदेशी जो ताकत बारी सन, जो भारत के विरोधी ताकत बारी सन, विदेश में फंडिंग करता रही सन और फंडिंग करके हिंदुत्व पर प्रहार करे के प्रयास कर जाता है। जो प्रहार जो बाबे वो साबित ना हुई, आज हम बहड़िया में हमने कह के देखनी सन। आज अम्बेडकर जी के जो जुलूस निकल रहा है एकदम जय भीम ही भैल हवे। लेकिन एगो सबसे बड़ा सवाल बा कि दलित और महादलित परिवार में आजो ये बात के चिंता और दुख बा कि आजो आजादी के 75-80 साल के बादो हमनी के साथ छुआछूत और भेदभाव के भावना बा। देखिए, ये तो मानसिकता जेकर हो सकत आवे, हम व्यक्तिगत रूप से राजा लाल जी बगल में बैठल बानी क्या, यहाँ के घरे हमनी के यहाँ घरे खान पान होखेला, पूरा भोजन होखेला, कहीं दलित महादलित के छुआछूत नहीं खे। और कुछ लोग प्रगोंडा फैलावत हवे समाज के तोड़े खातिर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपना जो साकार ना करे खातिर ऐसे कहीं छुआछूत नहीं खे। हम साथे बैठ के एक पात्र में बैठ के खाए नहीं सन और भाषण में ना प्रैक्टिकली खाए नहीं सन, हमारा अंदर कहीं से भावना नहीं खेल के समय में कौन चुनाव चुनाव तो हमारे कौन चुनाव ना लड़नी सपना बा चुनाव के स्वप्न में चुनाव के कि पार्टी जहिया टिकट दे तो फिर जो जन्मावे तो जो चुनाव ना लड़नी तो फिर चुनाव के समय के बाद कहाँ से आ गई। हम तो निरंतर हिंदुत्व के काम करें, चाहे दलित होके महादलित होके अति पिछड़ा होके पिछड़ा होके और दूसर समाज के भी हिंदू के अलावा जो मुसलमान भी बावे, अगर वो साथे बा हमनी के, अगर राष्ट्रभक्ति की बात बावे, अगर भारत माता की जय बोलतावे, वंदे मातरम बोलतावे, तो निश्चित रूप से साथे बावे। जैसे जी के पूर्व मुखिया और जो भारत माता की जय ना बोली, जो वंदे मातरम ना बोली, उनके साथे ना रही। लेकिन लेकिन काहे कई बार बाबा साहेब के द्वारा लिखल संविधान के ऊपर मतलब के टिप्पणी होला, टीका टिप्पणी कर जला और मतलब के डिबेट भी होला नेशनल इंटरनेशनल चैनल पर कि बाबा साहेब के माध्यम से है लिखल गई बात तो हम लिखल गई बात, कई बार जौन बाबा साहेब के द्वारा लिखल जौन आरक्षण के ऊपर कई बार डिबेट होला, एक ऊपर बता। देखिए, आरक्षण जौन बाबे राजनीति के भाजपा के जब जब सरकार बनेला, चाहे अटल जी की सरकार हो के चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार बा, तो दूसर पार्टी के अंदर छटपटाहट हो जाला कि भाई जो हम वोट के आयोजित करतनी, माय समीकरण दलित माय समीकरण दलित बैठे के प्रयास करतनी, वो बटत नहीं है। चूँकि बिहार में जब NDA की सरकार बनल, नीतीश कुमार और मंगल पांडे की सरकार बनल, तो 50% आरक्षण भइल, अति पिछड़ा के दलित के महादलित के महिला में आज मुखिया होकस, वार्ड होकस, जिला परिषद के अध्यक्ष होकस, प्रमुख होकस, सब लोग दलित बिरादरी के बा, तो सोचले भी ना रहे कि हम ब्लॉक के प्रमुख होके हम जिला परिषद के अध्यक्ष होके आज नेतृत्व करते हुए इसे आरक्षण पर कहीं संकट नहीं किए, केहू नहीं खे जी आरक्षण समाप्त कर देव। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री स्पष्ट कहनी कि हमारा रहते कि वो देश के
के लाल नहीं के जे आरक्षण समाप्त कर देव, ऐसे कि समाज के गुमराह कर जाता है। ये कोनो मुद्दा नहीं के कोनो जवाब नहीं के। कोई भी चुनाव होता है दलित बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं उधर वोटिंग के लिए, और लोग ज़्यादा दलित बस्ती में लोग विकास करते हैं, लेकिन आज भी जाइएगा दलित बस्ती में तो उसका विकास नहीं दिखता है, झुग्गी झोंपड़ी वैसे ही दिखता है। और जब भी चुनाव होगा दलित बस्ती में ज़्यादा नेता लोग आगे। देखिए 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1949 में संविधान बना, 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ, आज 2022 चल रहा है। कांग्रेस अधिकांश शासन कांग्रेस का रहा, देश में गरीबी मिटाने के लिए दलित महादलित के विकास करने के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन अटल जी की जब सरकार आई तो दलित बस्तियों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान पर स्कूल बनाने के लिए, दलित बस्ती में अलग से स्कूल बनाने के लिए, अंत्योदय अन्नपूर्णा अनाज देने के लिए, तमाम दलितों को अलग से अस्पताली सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तमाम सुविधा शुरू हुआ। आपका कहने का मतलब है कि 7-12 साल में ही दलित बस्ती में सिर्फ विकास हुआ, उसके निश्चित निश्चित आज जो दलितों के घर में बॉल जल रहा है, जो दलितों के घर में अधिकार मिल रहा है, जो दलित स्कूल को जा रहे हैं, जो दलितों के प्रधानमंत्री आवास से घर बन रहा है, वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार में बन रही है। ना इसके पहले तो विधायक MP ही राजद के कार्यकर्ता ही उस पैसे को खा जाते थे, ब्लॉक में कोई जनता तक नहीं था कि मेरा आवास भी बना हुआ है, इसका कई प्रमाण मेरे पास है। बॉल तो जरा था, लेकिन आज भी कई गो दलित और महादलित परिवार के झोपड़ी जाके बस्ती में देखी कि आज भी टाटी पलानी के घर बा, लेकिन सही बात बा कि बॉल जरा था, लेकिन वो टाटिया पलानी के घर में बॉल जरा था, और वो दलित बस्ती तक पहुँचे खातिर सड़क नहीं के बाबा, आज खुड़ी रास्ता से पहुँचे ला लो 100-150 के बस्ती में, आज हर जिला में चाहे गोपालगंज जिला होगा चाहे सिवान जिला हो के, एक सरकार जौन दलित बस्ती में हर दलित बस्ती में PCC बन गई है। सुनिए ना जौन दलित बस्ती में नइखे बनल, अगर वो नजर में बात बताई हमरा के, निश्चित रूप से वो बनी, ना बनने के सवाल नहीं खे, सरकार के रोशनी वही तक जाई ना जाए सरकार नहीं खे। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार मंगल पांडे कविता सिंह की सरकार बा, दलित महादलित होके चाहे कोनो समाज होके अगर हर हाल में विकास हुई मैं कहीं कोताही ना कही जाए। साफ सुथरा 14 के बाद आज़ादी मिलल बा, अरे बस देश की आज़ादी कब मिलल होके, लेकिन रोड आज बोल लेता नहीं, हम आज बोल लेता नहीं, ये आज़ादी निश्चित रूप से 2005 के बाद मिलल बा। अगर सिवान में केहू बोलत ना रहे, पत्रकार चोंगा भोंगा लेके घूमत ना रहा कि हम पत्रकार हैं, क्या डिजिटल मीडिया रहे तब केहू लेके ना घूमे, डरे केहू ना घूमे, जो सिवान केहू चल जा तुमका घर सत्यनारायण भाई कथा बचाए लगे हम बबुआ अलन कि ना अलन। देखिए आज के हत्या जन बात चर, सुनी ना हम SP साहब से कहनी, आज जो हत्या होता उ चर अफीम गांजा, इतना ना चर्सी अफीमी गांजा के लोग जी आदि हो गई बा कि समझा होता नहीं, हम सरकार पर सरकार अमल करता है वो काम करता है, वो हत्या आप भूमि विवाद की हत्या होता है। आज हत्या पॉलिटिकल हत्या नहीं क्या होगा कि अमरजीत बाबा अगर हमारा खिलाफ चला देनी तो यहाँ के बचेम कि ना बचे, वो हत्या नहीं क्या होगा। यूनिस भी अगर हमारा खिलाफ चला दिलन तो बचियन कि ना बचे, वो हत्या नहीं क्या होगा। आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं, कुछ भी चला सकते हैं, आज़ाद भारत के आप भी नागरिक हैं, आप स्वतंत्र हैं। अब पहले जो हत्या होते रहे कि हमारा खिलाफ अगर चले नहीं सवेरे सूर्योदय हुआ ना देखे, और आज की हत्या भूमि विवाद होता है तो चर्सी हत्या होता है, 500,000 छीने खाती हत्या होता है। अनुरंजन कुमार मिश्रा, पूर्व जिला महामंत्री भाजपा सिवान, सांसद। क्या आप चाहते हैं ऑनलाइन वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना, तो तुरंत संपर्क कीजिए। भारी छूट के साथ बनाया जा रहा है, जैसे स्कूल वेबसाइट, कॉलेज वेबसाइट, शॉप वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, इंस्टीट्यूट वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन, न्यूज वेबसाइट, बिलिंग सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9718925775 या व्हाट्सएप करें 9268751849।